तो हाँ भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज़ योर बॉय मूसा खाना और आज हम आर्ट की बात करेंगे। बड़े देर से आप लोग कह रहे हैं मूसा भाई अपने आर्ट का ट्यूटोरियल बताएं, दिखाएं आप किस तरह करते हैं। मेरी बात सुनो, मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आर्टिस्ट तो बंदा पैदा होता है, ऐसे बन नहीं जाता, लेकिन आप अपने स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। कहने का मतलब है मैं थोड़ा स्पेशल पैदा हुआ था, तो टू बैड फॉर यू। एनीवेज मजाक करो नहीं, आप सीख सकते हैं इस चीज़ को। तो मैंने ये मंगवाए हैं कुछ कलर मार्कर्स, ठीक है। अब हराम के पिल्लों ने पैकिंग तो बॉस की बहुत बुरी की है यार, मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल, लाइक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई पैकिंग। सारे इस डब्बे में ठूस के दे दिए, लेकिन क्योंकि मेरे जो पुराने वाले मार्कर्स कलर वाले पड़े हैं वो थोड़े से यू नो दे वर रनिंग आउट, काफी अंदर इसके मार्कर हैं। और अब मुझे ये नहीं पता कि इसकी क्वालिटी कैसे होगी, लेकिन अभी पेपर पे ट्राई करते हैं। तो एक्साइटिंग स्टफ, आई एम वेरी एक्साइटेड यार, अब मेरी ड्रॉइंग्स थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे इंशाल्लाह हो जाएंगी। एक मैंने मंगवाया था व्हाइट एक्रेलिक पेंट, ठीक है। तो व्हाइट एक्रेलिक पेंट से होता है यार, कोई गलती हो जाती है ना ब्लैक मार्कर वगैरह से, तो उसको आप पेंट ब्रश लगा के ना व्हाइट से दुरुस्त कर सकते हो। दूसरा मैंने कुछ मंगवाए थे पॉइंटर्स, ठीक है। हर डिफरेंट कलर की थिकनेस है, उसके अंदर पॉइंटर है। तो पॉइंटर से होता है अगर आपने सिर्फ स्केचिंग और शेडिंग वाली ड्राइंग्स बनानी है उसके लिए काम आता है, इट बेसिकली एड्स डिटेल, यू नो आई एम सेइंग। तो ये जरूरी चीज थी। तो ये चीजें आ गई हैं, अब आपको छोटा सा एक आर्ट ट्यूटोरियल दिखाते हैं। कोई कैरेक्टर पोकेमोन से, किसी डिजीमोन से कैरेक्टर को बनाते हैं, ठीक है, छोटा मोटा कैरेक्टर बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि उसके अंदर मैं शेडिंग किस तरह करता हूं, ठीक है। फिर आपको कलरिंग भी दिखाता हूं, अभी फिलहाल मैं एक चीज बना रहा हूं वो भी आपको दिखाता हूं मैं। तो लेट्स गो। कहां से मूसा खाना शुरू हुआ था, कहां पे आ गया, आर्ट की बातें हो रही हैं, जिम की बातें होती हैं। मैंने कहा था मेरा मल्टी एंटरटेनमेंट चैनल है, इस पे हर चीज आपको मिलेगी, हर चीज जो मैं कर रहा हूं मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग भी सीख लो या किसी तरह कर लो ताकि आपकी हेल्प हो जाए। आजकल के बच्चों के तो शौक ही डिफरेंट हो गए, यू नो पार्टी शार्टी में लगे रहते हैं, चलो ठीक है उसका भी एक ज़माना होता है, बट कहने का मतलब ये है कि उससे अच्छा अपनी कोई ना कोई हॉबी ढूंढ लो। आजकल मेरी हॉबी बनी है, होपफुली इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बाकी उससे पहले मेरे पास ये सप्लाई थी, आर्ट की भी सारा बिखरा हुआ है क्योंकि मैं एक पुरानी ड्रॉइंग कर रहा था। ये हर तरह की पेंसिल है मेरे पास, ये कलर पेंसिल है, चारकोल है, वाइट चारकोल है, ये मेरे पास कलर मार्कर्स पड़े हुए थे, अब ये मैंने किसी से लिए थे, ठीक है। और ये है कि लाइक इतने ज़्यादा इसमें वैरायटी नहीं है, वो तो पूरी दुनिया है उसके अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल मैं ये बना रहा था, क्या कहते हैं, ये मैं बना रहा था सेकंड होक आगे नारुतो से ना, तो अभी तो बना नहीं है, तो अभी तो बहुत बुरा लगेगा। ये तो अभी बनानी है फिलहाल, तो अभी जब बनेगा तो इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी मेरी सबसे बेस्ट की क्रिएशन अभी तक की जो मैंने नहीं दिखाई अभी तक ना इंस्टाग्राम ना यूट्यूब पे, वो है रेडी हो जाए, हाय 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 किंग किंग फ्रॉम टेकन। ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है टेकन के अंदर, तो मैंने किंग बनाया था, ठीक है। तो चेक करें कैसा लग रहा है, अच्छा है कि नहीं, ये थंबनेल हो जाए। उसके बाद मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था करोलो, इसको मैंने क्लियरली चारकोल से किया था सारा कलर, करोलो इज़ फ्रॉम हंटर एक्स हंटर। फिर मैंने आपको दिखाया था गोजो, ठीक है, इसको भी चारकोल भी यूज़ किया था, उसमें कलर मार्कर्स भी यूज़ किए थे। छोटी छोटी डिटेलिंग की बात होती है, अगर आप लाइफ को, जो बंदा एक आर्टिस्ट होता है ना वो लाइफ को भी बड़े खूबसूरत तरीके से देखता है। कभी कभी मैं ड्राइव करके काम पे जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ यार दरख्त देख रहा होता हूँ, तो दरख्त में भी ना मैं एक डिटेल देख रहा होता हूँ, कुछ दरख्त लाइट ग्रीन होते हैं, कुछ डार्क ग्रीन होते हैं, कहीं पर शेडोज आ रही होती हैं, तो आई थिंक इट्स जस्ट लाइक। अब तो सच बोल दे भोस। फॉर एग्जाम्पल आर्ट बनाने से पहले अब आप एक किंग की ड्राइंग देख रहे हैं, ठीक है, अब आप इसमें चीज नोटिस करें, एक पैटर्न है, ठीक है, शेडोज डालने का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डार्कनेस थोड़ी सी आ रही है, तो यहाँ पे थोड़े डार्क शेड्स होंगे, ठीक है, थोड़ा 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 लाइट जाता है, फिर यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसेस वाइट छोड़ दी हैं, ठीक है, वाइट इसलिए छोड़ी है इट एड्स वॉल्यूम, इट एड्स काइंड ऑफ जैसे 3D चीज़ है, ठीक है। मास्क पे भी आप देखो कि यहाँ से शेडो आ रही थी, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शेडो है, यहाँ पे थोड़ा लाइट है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, तो जैसे ड्राइंग है ड्रैगन बॉल जी वाली, इसमें आप नोटिस करो कि जहाँ पे भी कर्व्स होते हैं ना, जो यहाँ पे भी कोई चीज़ अंदर से बाहर आ रही होती है। अब मैं जिस तरह के मैंने कोई जैकेट पहनी हुई, तो जैकेट के जो ये वाली लाइन होगी ना, जहाँ पे मेरी शर्ट नजर आ रही होगी, ठीक है, दैट विल बी द डार्केस्ट एरिया। डार्केस्ट होगा तो डेप्थ नजर आएगी, जितना तुम फोकस करोगे डार्कनेस के अंदर उतनी तुम्हें चीज़ कम नजर आएगी, उतनी तुम्हें डेप्थ नजर आएगी, जितनी लाइट आती है उतनी कम डेप्थ हो जाती है, इट्स कॉमन सेंस, राइट। ये मेरी नई स्केचबुक है, ठीक है, तो इस स्केचबुक पे हम पहला अपना कैरेक्टर बनाते हैं। आज मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि मेरा प्रोसेस क्या है। मैं कोई डिजीमॉन सोच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इजी कैरेक्टर बनाऊंगा, यूट्यूब वीडियो है, यू नो मैं बैठ के पूरी यहाँ पे आप बीती तो नहीं करने वाला आर्ट की। यूलमॉन बनाते हैं। यूजली मैं आपको एक चीज बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, ये चीज मैं इतनी प्रैक्टिस खुद नहीं करता, लेकिन इट्स गुड फॉर लाइक न्यूबीज और समवन हु हैज अ हार्ड टाइम डिसाइडिंग के नोज को, उसके सर को, उसके आर्म्स को कहाँ पे रखना होता है। मेरा ये सीन है कि मैं देख के पहचान जाता हूँ कि मैंने बॉडी पार्ट्स कहाँ पे लगाने होते हैं, ठीक है, बट I've been doing arts for a long time. अभी हमने उसके फेस से शुरू करना है, राइट। पहले तो आपने डायमेंशन मेजर कर लेने के, आपने कहाँ से कहाँ तक का ये डिजीमॉन बनाना है, ठीक है, इसका सर यहाँ पे रखना है और इसकी जो टांग है
वो यहाँ तक रख लेंगे, ठीक है, ये सेंटर का बना लेना। अब आपने देखना है कि उसकी फेस शेप कितनी बड़ी होगी, उसके हिसाब से आपने बना लेना है एक सर्कल। ये आपने बना लिया एक सर्कल, नेक का एरिया इतना कर लो, यहाँ से कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी बॉडी मेजर करनी है कि कहाँ तक जाएगी, राइट। बॉडी उसकी समथिंग लाइक दिस है, पेट निकला हुआ उसका छोटा सा, यहाँ पे उसकी हम बॉडी को खत्म कर देंगे। आर्म्स उसके समथिंग लाइक दिस करके यूं जाते हैं, यूं जाते हैं, बट सिंस इट्स अ डिजीमॉन तो वील मेक समथिंग लाइक दिस, ये और ये। दिस बेसिकली जस्ट हेल्प्स यू टू गिव अ पर्सपेक्टिव के लाइक कहाँ पे चीजें रखनी है, ठीक है। ये उसकी जा रही है पीछे दुम, और इसकी टांगे इसके पीछे से ही आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं इसकी टांगे, और टांगे इसकी हम यहाँ पे बना लेंगे, इट्स समथिंग लाइक दिस। ये इसकी बना ली हमने टांगे फॉर नाउ। नाउ वी गोना स्टार्ट विद द फेस। तो फेस को जब हम बनाते हैं तो किस तरह बनाएंगे, ठीक है, पहले आपने ऊपर का पार्ट इसका बना लेना है। यार ये समझाते वक्त साथ और बनाते वक्त ना बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सही बन जाए। तो सर्कल से बाहर जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं लेके जाना ताकि आपकी डायमेंशंस ख़राब ना हो। ये एक कांटा बनाया इसका, ये एक कांटा बनाया इसका, ठीक है। इधर वाला कान इसका बना दिया बिल्कुल इधर करके। ये कुछ लोग ये भी करते हैं कि जब ह्यूमन फेस बना रहे होते, कैरेक्टर फेस बना रहे होते, तो दे काइंड ऑफ मेक अ लाइन कि हमने इसकी आंख कहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन बना ली, अब इसकी जो आंख है इस लाइन से हमने मैच करनी है, ठीक है, ये यूं करके। देखने काफी काफी हद तक बन गया है बस, अब लेकिन अब वाला जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा फन लगता है मुझे। सारा मिटा के हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी, काले मार्के कोटिंग ऐसे आउटलाइन काले मार्कर से कर देनी, फिर जरा ड्राइंग ज्यादा पॉपअप होके दिखी थी, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। आई मीन इट स्टिल इज इन दैट बैड। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है जैसे आप देख सकते हैं। ये बेसिकली ना जो पेपर है ना, ये कलर पेंसिल्स के लिए बना है, तो देखो ना ये आगे जाके स्प्रेड हो गया सारा कलर पीछे से देखो। तो ये वाला जो कलर आप देख रहे हो ना, ये मैंने नए वाले मार्करों से किया है, तो मुझे पता नहीं था नए वाले मार्कर इतने ज़्यादा बैठे हैं, लेकिन एनी वेज दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। आई मीन इतना अच्छा नहीं बना जितना मैं चाह रहा था, लेकिन मैं साथ ब्लॉग भी कर रहा था तो इसको हम थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, बट ये मैंने बिल्कुल कैजुअली बनाया, अभी आपके सामने 20 मिनट के अंदर बनाया मैंने। नॉट टू बैड, नॉट टू बैड, इट लुक्स गुड ऑन द पेपर। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया छोटा सा आर्ट का। अगली दफ़ा कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाएंगे। अभी आप लोगों को कैमरा वर्क इतना अच्छा नहीं लगा होगा कि मैंने टेढ़ा रखा हुआ है, आगे पीछे रखा हुआ है, लेकिन आइंदा सर मैं कैमरा वर्क किस तरह करूँगा कि फिर मैं आर्ट वाली रील्स और टिकटॉक भी बनाऊंगा आइंदा से। तो फिलहाल ये कैरेक्टर बनाया। बाय द वे बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आर्ट को सेल भी करना शुरू कर दूँ, तो मैं सेल करूंगा, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे उनको मैं सेल करूंगा, अच्छी रीजनेबल प्राइस पे सेल कर सकता हूँ। और ये मैं इनकी बात करूँ जो अमेरिका के अंदर रहते हैं इस वक्त, तो जो अमेरिका के अंदर इस वक्त हैं, डू लेट मी नो अगर आप लोगों को कोई मेरा आर्ट वर्क पसंद आ रहा है। मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स इंस्टाग्राम पर लगाई हैं, मैंने अपनी पिछली यूट्यूब वीडियो में भी दिखाई थी, इस यूट्यूब वीडियो में भी दिखाई थी। तो जो आपको आर्ट पसंद आती है लेट मी नो ऑन माई ईमेल, ये ईमेल मैंने लगा दी, ठीक है, या लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम DM, ठीक है, मुझे DM कर देना कि तुम लोगों को आर्ट वर्क पसंद है, तुम लोग खरीदना चाहते हो मेरा आर्ट वर्क, और फिर मैं तुम लोगों को उसकी प्राइस बता दूंगा। ऑल्सो मैं फ्रेम लगा के उसको तुम्हें अच्छा फेडेक्स करके भेजूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा, फ्रेम के अंदर मेरे साइन होंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो जो आर्ट वर्क पसंद है, अमेरिका में रहने वाले की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान का भी मैं देखूंगा या दूसरे मुल्क का भी मैं देखूंगा कि इंटरनेशनली कैसे भेजना है, लेकिन अभी भी थोड़ा मुश्किल सीन है, मेरे कंट्री के लोग नहीं बेचारे मेरी आर्ट खरीद सकते। बट एनीवेज बाकी डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, वहां पे वैसे भी लाइफ की अपडेट्स आती रहती हैं। बस ये कहना था, थैंक यू।